हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में जो होने वाली है आपकी यूपीएसआई से रिलेटेड, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। आप उससे बार बार कह रहे थे कि सर ये वीडियो मेरे को चाहिए, ये वीडियो हमको देखनी है। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट किस तरह पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, जो 2021 में होने वाला यूपीएसआई का एग्जाम है उसमें शर्तें क्या क्या हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। और हम विश्लेषण करेंगे 2016 वाली भर्ती जो यूपीएसआई की हुई थी उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, कितने उसमें पद थे और कितने मार्क्स उसमें लाने पड़े। और फाइनली ये सब चीज देखने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक रणनीति बनाएंगे कि आप अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतने इतने क्वेश्चन करके आते हैं तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन कितने हद तक हो जाएगा, और साथ में आपको कितना घंटे स्टडी को अभी से देना चाहिए। ये सब अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको कहता हूं 101% आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं काट सकता, नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। इससे पहले भी कुछ लोगों ने आप वीडियो देखी होगी, मैंने इसी टॉपिक पे बनाई थी पर उसमें थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था, उसके लिए मैंने उसको प्राइवेट कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, क्योंकि आप तक कोई भी गलत खबर मेरे द्वारा पहुंचे ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए अच्छा नहीं है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए आप, इस बार जो यूपीएसआई दरोगा की भर्ती होने वाली है, दरोगा भर्ती 2020 होने वाली है, उसमें लगभग आपको 12,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे, यानी कि एक बहुत बड़ी भर्ती है दोस्त। तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा आपका मैथ्स पूछा जाएगा, दूसरे सेक्शन में आपसे हिंदी पूछा जाएगा, तीसरे सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा मूल विधि, संविधान, और इसी में आपको जीएस पूछ लिया जाएगा। जीएस में आपका पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ, यूपीजी के हुआ, करंट अफेयर, ये सब इस सेक्शन में 40 क्वेश्चन के सेक्शन में आपसे पूछ लिया जाएगा। और फाइनली रीजनिंग के साथ में आपसे पूछी जाएगी अभिरुचि। अभिरुचि में कुछ 8-9 टॉपिक हैं जिसमें जनहित याचिका है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको मैं आपको आराम से करा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो हम देखते हैं कि आपका जो टोटल क्वेश्चन आने, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो आपके टोटल क्वेश्चन आने वो आने आपके 160 क्वेश्चन, और ये हो जाएंगे कितने के, 400 मार्क्स। 160 क्वेश्चन आने हैं 400 मार्क्स के हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन है ढाई नंबर का, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अब इनका बंटवारा कैसे कैसे हुआ, देखो मैथ के जो हैं वो आपको 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के हो जाएंगे, वही ढाई नंबर का एक क्वेश्चन तो 100 मार्क्स के हो जाएंगे। हिंदी में क्या है, 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, मूल विधि संविधान 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और रीजनिंग अभिरुचि 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इस हिसाब से टोटल करेंगे 160, और इस हिसाब से आप टोटल करेंगे 400। बुक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको रणनीति बताऊंगा। अब इसमें शर्तें क्या क्या होने वाली, देखो शर्तें दो हैं, ये शर्तें ही खतरनाक हैं। अगर आप इन शर्तों को पार कर लेते हैं, इन शर्तों को क्लियर कर देते हैं, तो आपको एसआई बनने से कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि देखो कुछ ऐसी ही इसी से मिलती जुलती जो शर्त है वो 2016 में भी थी। 2016 में एक शर्त थी, यहां पे दो शर्त है। 2016 में ये शर्त थी कि आपको सेक्शनल 50% मार्क्स लाने थे, यानी कि जैसे चार टॉपिक हैं, 40-40 क्वेश्चन थे, सेम पैटर्न था, तो आपको 50-50% मार्क्स इसमें लाने थे, या 50-50% क्वेश्चन आपको सही करने थे। तो जैसे 40 क्वेश्चन मैथ के हैं तो 20 सही करने थे, हिंदी में 20 सही करने थे, मूल विधि और संविधान वाले सेक्शन में 20 सही करने थे, और रीजनिंग वाले सेक्शन में 20 सही करने थे। अब अगर आपने ऐसा कर दिया कि मैथ्स में कर दिया आपने 40 का 40, हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 कर दिए, मूल विधि वाले 35 कर दिए, और रीजनिंग वाले में आपके 19 रह गए, तो आप आउट थे। इसी तरह कोई सा भी सेक्शन हुआ अगर 20 से कम रह गए तो आप आउट हो गए। तो इसी तरह से मिलती जुलती जो 2021 की शर्तें हैं वो है, पहले तो था हर विषय में 50% लाना था, अब हर विषय में 35% मार्क्स लाना जरूरी है। कितना, 35 क्वेश्चन नहीं, 35% मार्क्स, आपको 35 नंबर चाहिए हर सेक्शन में, क्योंकि हर सेक्शन कितना है, 100-100 नंबर का है, तो इसमें से आपको 35% मार्क्स चाहिए। और इतना गणित आपको इजीली पता ही होगा कि 100 का 35% कितना होता है, 35 होता है। तो अगर आप इसमें भी देखें तो इससे भी आपको 35 लाने जरूरी है, इससे भी आपको 35 लाने जरूरी है, इससे भी आपको 35 नंबर लाने जरूरी है, और इससे 35 लाने जरूरी है, और 35 दूनी 70 होता है, 70 दूनी 140, यानी कि सेक्शनल में अलग अलग मिला के, सेक्शनल में मैथ में 35, हिंदी में 35, मूल विधि में 35, रीजनिंग में 35, इस तरह सेक्शनल में 35-35 मिला के आपके 140 नंबर तो यहां से होने चाहिए। 140 को भी छोड़ दो, 35-35 नंबर तो आपके यहां से होना चाहिए।
दूसरी शर्त है, अब एक चीज फिगर याद रखना, 35-35 को जोड़ो कितना हो चुका है हमारे पास, 140 हो चुका है, ये आपको यहां ध्यान रखना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दूसरी शर्त है कि ओवरऑल 50% होना चाहिए, मतलब 35% तो आपने कर लिया पहले, उसके बाद आपका 50% होना चाहिए। आपका काम यही नहीं रुक जाता कि आप 35-35 ले आए, 140 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ये पूरा होने के बाद, ये शर्त पूरी होने के बाद आपके 400 में से 200 नंबर भी होने जरूरी हैं। तो देखो ये दो शर्त, ये दो बाधाएं आपको पार करनी है, तो 35-35 वाला और उसके बाद आपको 50% वाला, ये 200 मार्क्स आपको लाने जरूरी है। इसके बाद बात शुरू होगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बाद कट ऑफ लगेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी है। अब देखो इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, आपको लगेगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। 2016 वाली भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इस बार तो शर्तें भी बढ़ा दी हैं, तो 50% चांस है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 50% चांसेस है नेगेटिव मार्किंग होगी। पर मेरा अगर आप व्यक्तिगत राय जाने तो इतनी अच्छी शर्तें रखने के बाद मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो पर फिर भी आप मेंटली हर चीज के लिए तैयार रहें। देखो नेगेटिव मार्किंग क्या आपकी एक्यूरेसी को प्रभावित करती है, आप अपनी एक्यूरेसी अच्छी करिए, आपको नेगेटिव मार्किंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो 1/4 हो या 1/3 हो, तो नेगेटिव मार्किंग का तो चक्कर नहीं होता, आप हमेशा सही करने की कोशिश कीजिए, तुक्केबाजी मत कीजिए। तो ये दो शर्तें हैं, ये आपको पूरी करनी है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो अब एक चीज आप नोटिस करना यहां पे, पहले तो उसको याद रखना 12,000 पद, और जो 2016 की भर्ती थी उसमें थे भाई 3,307 पद, तो लगभग 3×12 चार गुना भर्ती है, लगभग चार गुना ज्यादा आपको भर्ती देखने को मिलेगी, चार गुना ज्यादा पद आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कट ऑफ पे डेफिनेटली पड़ने वाला है। पर मैं इस प्रभाव को यहां पे शून्य करके जा रहा हूं, जिससे आपके मैं क्यों कहूंगा कि आपका सिलेक्शन अगर यहां पे 2016 वाली भर्ती में 100+ नंबर पे हो रहा है तो मैं यहां बिल्कुल ये कहने नहीं जा रहा हूं 12,000 में कि आपको 80 ही सही करने हैं, भाई बिल्कुल मत करो, कंपटीशन का कुछ नहीं पता लगता है, 2016 और 21 में अंतर है, कंपटीशन टफ हो चुका है, तो क्या पता कि जो कट ऑफ है वो और भी ज्यादा हाई चली जाए, तो मैं आपको सेफर साइड में आपको एकदम सही जगह पे ले जाके छोड़ना चाहता हूं, वहां पे रखना चाहता हूं, आपको ऐसा ही बनाने तक की यात्रा में आपका साथ देने वाला हूं। तो एक बार हम फाइनल कट ऑफ के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि 2016 में कितनी कट ऑफ रही थी। तो देखो जो पहली वाली वीडियो थी उसमें यही गलती हो गई थी, नेट पे बहुत ज्यादा सर्फिंग करने के बाद, सर्च करने के बाद मेरे को ये ठीक से 2016 की कट ऑफ मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि ये केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, 12 तारीख को इसका सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, सुनवाई है, तभी जाके और भी अच्छी तरह डिटेल्स सामने आ पाएंगी। पर जो भी मैंने बहुत देर तक सर्च किया, 2-3 घंटे तक सर्च करता रहा, मैं देखता रहा, उसके बाद मेरे पास ये निकल के आई, ये बिल्कुल ऑफिशियल है, बिल्कुल जेन्यून है, आप इन पर टेस्ट कर सकते हैं, आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए आप, जो 2016 में यूआर मतलब जनरल है अनरिजर्व, 2016 में जो कट ऑफ थी, मतलब कि जिस 2016 में जनरल वाले को जो जॉब मिली थी यूपीएसआई की, उसके नंबर थे 251.88। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब होता है कि ये सबसे आखिरी बंदा होता है, जिस भी कैटेगरी में कट ऑफ लगती है ये सबसे आखिरी बंदा होता है जिसको जॉब मिल रही होती है। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 251.18, ओबीसी में थी 230.51, एससी में थी 211.18 और एसटी में थी 243.55। तो अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो ये 251 है, ये 231 है, ये 211 है और ये 244 है। तो इतनी ये कट ऑफ थी 2016 की। फीमेल में देखो मेरे पास दो ही डेटा है, मैं आपको यही दिखा सकता हूं, इनसे ही क्लियर हो जाएगा। फीमेल में जनरल में थी 244.42 और ओबीसी में थी 217.56। अगर मोटा मोटा आइडिया लिया जाए तो 224 और यहां पे 218। तो 218। अब देखो एक चीज आप ध्यान में देखो, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ लगेगी, हम अब हायर को पकड़ते हैं, हम ओबीसी एसटी एससी के हिसाब से तैयारी करेंगे नहीं, हम तो जनरल के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो जनरल के हिसाब को, जनरल के हिसाब से देखते हुए, जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो नंबर निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं भाई 251। और 251 का मतलब है कि उन बंदों को फाइनल सिलेक्शन मिल गया है जिनके 2016 वाली भर्ती में 160 में से 100+ क्वेश्चन सही थे। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, मतलब कि रो स्कोर अलग रहा होगा, ये नॉर्मलाइज स्कोर है,
तो मैं सब चीज भूल के आपको सीधे बता रहा हूं कि आपको इतना करना ही करना है, मैं इससे एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको। और जब मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा ना आपको, आपको बहुत ज्यादा इजी लगने वाला है, आराम से इस वीडियो को देखते रहिए। तो फाइनल जो सिलेक्शन हुआ 100 प्लस पे हुआ और 250 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो करीब करीब 250 नंबर के आसपास बैठ रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हमको क्या काम करना है कि हमें देखना है हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम कैसे काम करें, हम मैथ्स में कितना स्कोर करने की कोशिश करें, हम रीजनिंग में कितना स्कोर करने की कोशिश करें, मूल विधि और जीएस वाले सेक्शन में कितना करने की कोशिश करें, और साथ में हम जो हिंदी वाला पोर्शन है उसमें कितना करने की कोशिश करें, तो चारों सेक्शन में। अब एक बात मैं आपको पहले बुक्स के बारे में बताता हूं, फिर वहां चलते हैं। देखो इन शर्तों से आपको क्या समझ में आ रहा है, इन शर्तों से आपको ये समझ में आना चाहिए कि भर्ती बोर्ड कोई पीएचडी होल्डर बंदे को लेना नहीं चाह रहा है, वो मैथ में पीएचडी नहीं चाहिए उसे, या जीएस में कोई पीएचडी किया हो, या रीजनिंग में कोई पीएचडी किया हो, या हिंदी में कोई पीएचडी किया हो, इसका मतलब ये है कि वो एक एवरेज बच्चे को चाहते हैं जो मैथ्स में भी एवरेज हो, प्रॉपर नहीं एवरेज हो, हिंदी में एवरेज हो, रीजनिंग में एवरेज हो, जीएस में एवरेज हो, उसको थोड़ा थोड़ा संविधान का, मूल विधियों का, कानून का थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, बाकी वो अपना वहां पे तैयार कर लेंगे। अब दिक्कत वहां होती है जब हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, तो मैथ रीजनिंग में तो आप हायर कर जाएंगे, हिंदी में आप अच्छा कर जाएंगे, आप जीएस में लटके रह जाएंगे। तो आपने कोई काम नहीं करना, अपने को प्रॉपर सबको टाइम देना है और प्रॉपरली चीजों को देखना है। देखो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पहले भी एग्जाम दिए होंगे, 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिगिनर होंगे, जिन्होंने शुरुआत की होगी, तो पूरे पूरे चांसेस हैं आपके, 99% चांसेस हैं आपके कि जनवरी के एंड में भर्ती आ जाएगी, क्योंकि ये वाला कोर्ट में केस जो पेंडिंग है 2016 वाली भर्ती का, वो 12 तारीख को फाइनल हियरिंग है, मतलब आखिरी सुनवाई है, 12-13-14 तक वो निपट जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जैसे ही ये भर्ती फाइनल हो जाएगी, केस फाइनल हो जाएगा, उसके तुरंत बाद हफ्ते भर के बाद आपको यूपीएसआई का नोटिफिकेशन देखने के पूरे पूरे चांसेस आपको मिल जाएगा। और अगर आपके फॉर्म जनवरी के एंड में आ जाते हैं तो फरवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, पूरा फरवरी फॉर्म भरने में जाएगा, और पिछली जो भर्तियां हैं कांस्टेबल की भर्तियां हैं, और जितनी जल्दी यूपी जेल वार्डन को क्लियर करने के लिए बोर्ड दिखा रहा है, इससे पूरे पूरे चांसेस हैं कि 2-2.5 महीने में आपका एग्जाम वो ले लेगा। अगर फरवरी में फॉर्म भरवा लेते तो मार्च अप्रैल ये पूरा चला जाएगा, यानी कि पूरे चांसेस हैं आपके अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो आज से हम देखें तो लगभग आपके पास 4 महीने का समय बचता है, लगभग 4 महीने का टाइम बचता है। अगर आपने आज से पहले तैयारी नहीं भी की है तो अब भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे तो मैं आपको बुक्स बताता हूं, आप वो बुक्स को देख लीजिए, मैं इन बुक्स का कोई भी प्रचार नहीं कर रहा हूं, एक जनरली आपको बता रहा हूं कि आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी चाहिए। देखो मैथ्स में अगर आपको अच्छा करना है तो एक बुक आती है एस डी यादव की एक बुक आती है, बिगिनर के लिए बेस्ट है, आप इससे बिगिनिंग कीजिए, आप इससे शुरू कीजिए। साथ में अगर आपने पहले से आपके बेसिक्स क्लियर है, आपके फंडास क्लियर है, तो आप किरण पब्लिकेशन का जो मैथ आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपकी जो सोचने की क्षमता है, एनालिटिकल पावर है उसको बेहतर बनाएगा, और किरण का लेटेस्ट वर्जन। यदि आप बिगिनर हैं तो एसडी यादव से शुरू करके किरण को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, यदि आपने पहले से कर रखा है तो आप किरण पब्लिकेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं इसमें यह भी बताता चाहूंगा कि मैं आपको कहां हेल्प करने वाला हूं, तो इसमें देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी की एक बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है भाई, छोटी सी बुक है, रामबाण बुक कह सकता हूं मैं, आदित्य पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी आती है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, व्हाइट कलर का उसका कवर होता है, उसमें ब्लैक कलर से प्रिंट रहता है, व्हाइट बैकग्राउंड है और ब्लैक से प्रिंट रहता है, बहुत ही अच्छी बुक है, आप वो परचेज कर लीजिए। अगर आपको ये परचेज नहीं करनी है तो आप ल्यूसेंट की हिंदी को भी वरीयता दे सकते हैं, ये भी काफी अच्छी बुक है। अब अगर आप दोनों ही नहीं खरीदना चाहते तो भाई आपके लिए मैं भी एक बुक ही हूं, मैंने लेक्चर अपलोड करने शुरू कर रखे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ देखो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, और आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं एक एक टॉपिक सॉल्व करवा रहा हूं, करवा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब उसके बाद मूल विधि, संविधान और जीएस के लिए, मूल विधि के लिए अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं तो मूल विधि के लिए घटना चक्र के कैप्सूल आते हैं, मतलब पूरे के पूरे कैप्सूल निकाले थे यूपीएसआई के लिए, तो मूल विधि का अगर एक छोटी सी बुक आती है तो मूल विधि ही आप घटना चक्र की बुक ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं। जीएस के लिए आपके पास जो लूसेंट की किताब है वो सफिशियंट है, बाकी ये मूल विधि का एक एक टॉपिक आपको मैं करवाने वाला हूं, धीरे धीरे आपको मैं अपडेट देनी शुरू कर दूंगा जल्दी ही,
आपको अपडेट मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ में जो ये जीएस है ये लूसेंट आप इससे कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको लूसेंट पढ़ने में डर लगता है या समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्या आप लूसेंट के पढ़ने के तरीकों को देखना चाहते हैं? ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप एंजॉय के साथ उसको पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे। और करंट अफेयर के लिए या तो परीक्षा मंथन की मैगजीन ले लीजिए आप, या आप घटना चक्र की मैगजीन ले लीजिए। ये दोनों ही मैगजीन अच्छी है। अगर ये दोनों नहीं लेना चाहते आप तो आप ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो एक साइट है लीड द कॉम्पिटिशन, लीड द कॉम्पिटिशन बहुत अच्छी साइट है, आप इंग्लिश में जाके पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए तो तमाम साइट्स हैं, आप कहीं से भी जाके पढ़ सकते हैं। अब फाइनली बचा रीजनिंग। रीजनिंग के लिए किसी बुक की जरूरत तो नहीं पड़ती, पर बिगिनर के लिए मैं बता देता हूं, बिगिनर अगर लेना चाहते हैं तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की छोटी पतली सी बुक आती है, ज्यादा मोटी नहीं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आर के झा की बुक आती है तो रीजनिंग के लिए आप ये ले सकते हैं। और जिनके रीजनिंग के फंडास क्लियर है या जो पहले बिगिनर है, वो बिगिनर क्या काम करें, पहले आर के झा की बुक से अपने फंडास को क्लियर कर लें, उसके बाद वो डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे जाएं। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कीजिए बहुत सारी बुक्स निकालने में, क्योंकि रीजनिंग क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी को देखना चाहता है, आपकी तर्क शक्ति को देखना चाहता है कि आप में कितना चीजों को विश्लेषण करने की शक्ति है। तो आप आर के झा करिए, सीधे प्रैक्टिस कीजिए, जिसका बेसिक तैयार है वो सीधे प्रैक्टिस सेट पे जाइए। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कैलेंडर हुआ, जैसे पासा हुआ, घड़ी हुआ, और भी जो क्रिटिकल टॉपिक लगते हैं, टिपिकल टॉपिक लगते हैं, उन टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। एक एक ट्रिक से आपके सारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप स्टे ट्यून्ड रहिए और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, इससे सबका भला हो सके। और साथ में देखो अभिरुचि एक टॉपिक आता है, ये थोड़ा सा पुलिस से संबंधित एक अभिरुचि है, आपके आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, इससे संबंधित एक टॉपिक है कि आप पुलिस में जाने लायक हैं कि नहीं, इसके साथ साथ टॉपिक है, वो मैं आपको पर्सनली करवा दूंगा, आप इसकी चिंता मत करो। उसके लिए आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो ये रही सारी की सारी बुक्स और ये रही सारी की सारी बात। अब हम रणनीति की बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से पेपर में सॉल्व करना चाहिए। देखो 2016 में 3307 भर्ती थी, सिलेक्शन किसका हो गया फाइनली 100 प्लस वाले का। अब भर्ती है कितनी, 12,000 प्लस। अब भर्ती कितनी है 12,000 प्लस। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जब 3307 में 100 प्लस पे सिलेक्शन हो गया तो अब 12,000 प्लस में क्या मान लो आप 80 पे सिलेक्शन हो गए, नहीं भाई, हमने टारगेट रखा है 110 क्वेश्चन का। कितने का, ये यहां पे 100 प्लस क्वेश्चन है, हम टारगेट रख रहे हैं 110 प्लस क्वेश्चन का, और बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो उस 110 प्लस क्वेश्चन में आपका 50% वाला टारगेट भी पूरा होगा, दूसरी बात है आपका ये 35% ईच सेक्शन वाला भी कवर होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा। तो ये देखो गुरु मंत्र है। अब यहां समझो एसआई 2020 की जो किसकी वैकेंसी है उसमें चार टॉपिक आने हैं, सीधे सीधे मैंने लिख दिया, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, मूल विधि और जीएस। तो यहां पे पहले मैंने क्वेश्चन बता दी कि आप कितने क्वेश्चन, इतना टारगेट करना ही करना है भाई, इससे कम नहीं करना, इससे ज्यादा करो तो बहुत अच्छा, ज्यादा करोगे तो धीरे धीरे रैंकिंग में पहुंच जाओगे, पर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा ही। सामने मैंने उनके नंबर भी लिख दिए। देखो मैथ्स में एक एवरेज बच्चा 40 में से भाई 25 आराम से कर सकता है। आप अगर किसी भी टॉपिक के हार्ड क्वेश्चन को निकाल भी दो ना और अपने बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप 25 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, 20 कर लोगे, 4-5 तो आप बैठे बैठे सॉल्व कर लोगे। तो मैथ्स में आपको 25 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी राहत की बात मैं आपके लिए बता रहा हूं। अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे तो आपके 62.5 नंबर तैयार हो जाएंगे। अब देखो आपको 35 नंबर लगने थे क्योंकि 100 का 35% कितना होता है 35 होता है, जबकि आपने क्या किया यहाँ पे, मैंने आपको नंबर कितने दिलवा दिए 62.5, तो आपका ये टारगेट पूरा हो गया। अब उसके बाद यहां देखो आप रीजनिंग में और अभिरुचि में आपको 30 प्लस क्वेश्चन आराम से एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो 2.5 नंबर के हिसाब से 75 नंबर का ये हो जाता है। हिंदी में आप जब मुझसे पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, अभिरुचि पढ़ेंगे, रीजनिंग के टॉपिक पढ़ेंगे, मूल विधि पढ़ेंगे, तो ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप पढ़ के देखना पेपर में कैसे उड़ा दो क्वेश्चन। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे हिंदी में भी हम 30 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रख रहे हैं, आप आराम से कर लोगे, तो ये भी 75 मार्क्स का हो जाएगा। और मूल विधि जीएस में हम ज्यादा ना रख के 25 क्वेश्चन का टारगेट रखे तो ये 62.5 नंबर का हो जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करो कि हमको सब में 35-35 नंबर चाहिए, क्योंकि ईच सेक्शन में हमको 35% चाहिए और 100 नंबर का 35% कितना होता है 35 ही होता है, तो 35 से तो सब बहुत ज्यादा है, तो आपका एक टारगेट पूरा हो गया। और जब हमने सबको जोड़ा तो ये नंबर देखो कितने हो जा रहे हैं 275 नंबर हो जा रहे हैं। कितने नंबर हो जा रहे हैं 275, यानी कि 35% वाला भी टारगेट पूरा हो गया,
50% वाला भी टारगेट पूरा हो गया और 275 नंबर इतने हैं कि आपको आराम से सिलेक्शन देंगे और इतनी तैयारी करने में आपको 3 से 4 महीने का समय पर्याप्त है, मोर देन सफिशियंट है, आराम से एग्जाम निकाल सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटजी शायद ही किसी ने आपको बताई होगी। अब आप क्या करो, आप क्या काम करो भाई, मैथ को तो 2 घंटे बुक लगाओ आराम से, कोई भी अच्छा चैनल हो वहां से आप देख लो। देखो मैं तो इस आपको बोलना नहीं चाहूंगा आप किस चैनल से पढ़ो किस से नहीं, पर मैं सच्ची सलाह आपको देना चाहता हूं, जितने आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेसिक्स पे काम करो, ट्रिक मत सीखो, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक आते हैं। आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत जबरदस्त आ जाती है, कई बार 5-5-6-6 लाइन में क्वेश्चन लिखा होता है तो आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी और एग्जाम में इतना प्रेशर माइंड में होता है कि आपकी ट्रिक सारी साफ हो जाएंगी। तो आप बेसिक तैयार करो, तो गणित को आप 2 घंटे दो। इसी तरह से रीजनिंग और अभिरुचि की मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको भी करने जरूरत नहीं, जाना पढ़ना और पेल आना पेपर में, सिंपल सी बात है। उसके बाद रीजनिंग में आपको देने 2 घंटे आराम से प्रैक्टिस करो, क्योंकि रीजनिंग देखो इतना आपको टारगेट करना ही करना है, आप कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। और सिलेबस की वीडियो मैंने यूपीएसआई की लिस्ट में प्लेलिस्ट में डाल रखी है, जाके आप देख लेना। हिंदी 1 घंटा, आधा घंटा वीडियो देखो, फिर उसके नोट्स बना लो, उनका टाइम टाइम पे आप रिवीजन करते रहो मेरी वीडियोस से, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बुक्स परचेज करनी है तो उसमें से भी आप थोड़ा थोड़ा, आपको वैसे जरूरत नहीं है, बुक में अगर आप देखना चाहते हो तो वोकैबुलरी याद कर लेना, तत्सम तद्भव याद कर लो, पर्यायवाची याद कर लो, समानार्थक अनेकार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इत्यादि आप याद कर लो। मूल विधि, और ये मूल विधि मैं इस पे छोड़ देना, मूल विधि मैं अपना आप करा दूंगा। और जीएस के लिए जो जब ये मैं सब चीजें कराऊंगा आपको, तो आपको केवल इनका रिवीजन करना, फिलहाल आप इनको 2 घंटा आराम से देना शुरू करो, थोड़ा न्यूज़पेपर देखो, करंट अफेयर मैगजीन पढ़ो, और इतना टाइम अगर आप निकालेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। आदमी 7 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता भाई, दिन में बहुत ज्यादा होता है। अब ये किस तरह मैनेज करना है ये आप अपना आप देख लो, 7 घंटे आपको 24 घंटे में से कैसे निकालने, पर ईमानदारी के साथ करोगे ना भाई तो 120% नहीं 240% अगर सिलेक्शन बोलेंगे तो आराम से हो जाएगा। साथ में फिजिकल वर्कआउट भी थोड़ा बहुत करते रहो, जंपिंग वम्पिंग करते रहो। अब देखो अगर ल्यूशन वाली वीडियो चाहिए तो मेरे को जल्दी से बता देना, आप अगर वीडियो को बेटर लाइक करोगे, ज्यादा कमेंट करोगे तो आपके ल्यूशन की वीडियो बना दूंगा। साथ में आपको टेक्निक भी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, इन 2 घंटे में कैसे पढ़ें कि आपका माइंड बहुत अच्छे से बेहतर काम करे और आपकी जो एब्जॉर्बिंग पावर है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो ये सब मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आप इस वीडियो को यार वायरल कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सबका फायदा हो जाए इसमें, और आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। और इसी शुभकामना के साथ, आप देख रहे थे रामजी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज, जय हिंद जय भारत दोस्तों।